भारत पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के अलावा एक लड़ाई और लड़ी गई थी। मैं अपने गुनाहों की सजा काट चुका हूं, मुझे यहां से दूर जाना है। तो फाइनली दोस्तों, गदर 2 फिल्म की इतनी बड़ी सफलता के बाद अब हमें जल्दी गदर पार्ट 3 देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, गदर पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही तगड़ी कमाई की है, जिस कारण फिल्म मेकर जल्द से जल्द गदर पार्ट 3 लाने के लिए बेताब है। गदर पार्ट 2 को लाने में फिल्म मेकर्स ने 22 साल का काफी लंबा इंतजार कराया था, लेकिन अब हमें गदर पार्ट 3 के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना होगा। बताया जा रहा है कि गदर पार्ट 3 का बजट इसके सेकंड पार्ट से भी काफी बड़ा रखा जाएगा, और अगर यह बात सच निकलती है तो इसका थर्ड पार्ट काफी ज्यादा एक्शन भरा होने वाला है। वहीं बात करें फिल्म की कास्टिंग की, तो इसमें हमें वही सेकंड पार्ट वाली कास्टिंग देखने को मिलेगी। वहीं विलेन के रोल की अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी गई है, क्योंकि अभी तक गदर पार्ट 3 की स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई है, लेकिन फिल्म मेकर्स का कहना है कि वह जल्दी गदर पार्ट 3 की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू कर देंगे और उसी हिसाब से फिल्म में विलेन के रोल को डिसाइड किया जाएगा। जब से दर्शकों को गदर पार्ट 3 की न्यूज सुनने को मिली है, वह इस फिल्म को जल्द से जल्द बड़े पर्दे पर देखने के लिए एकदम बेताब है। लेकिन सच तो यही है कि अभी हमें गदर 3 के लिए काफी इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, फिर रोल डिसाइड किया जाएगा और फिर फिल्म की शूटिंग की जाएगी। अगर फिल्म मेकर्स इस पार्ट को जल्द से जल्द लाने की कोशिश भी करते हैं, तब भी यह फिल्म 2 साल से पहले नहीं आ पाएगी, और हो सकता है कि गदर 3 से पहले हमें सन्नी पाजी की बॉर्डर 2 देखने को मिल जाए, क्योंकि इस समय बॉर्डर 2 बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रही है। वहीं बात करें गदर 3 के डायरेक्टर की, तो इस पार्ट को भी अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमें गदर 3 के लिए काफी लंबा इंतजार करना होगा, लेकिन जब भी यह फिल्म आएगी तो यह सभी को अपना दीवाना बना लेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।